फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वेव मोशन अलोंग एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद जीरो हो इनिशियल वेलोसिटी। हमारे पास एक इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, ठीक है। अब उसमें हमें उसके वेव मोशंस की इक्वेशन निकालनी है, हमें जो है पोजीशंस निकालनी है, पोजीशन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स है वो हमारा क्या कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए वेरी कर रहा है, ठीक है। टी हमेशा हमारा क्या रहेगा, जीरो से बड़ा रहेगा, ठीक है। तो इफ द वेव मोशन इज फॉर्मेलिटी बाय एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग, देन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज, ये हमारी इक्वेशन होती थी, ठीक है। वेव मोशन की हमारी इक्वेशन है। अब इसी में हमारा जो x कितना माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी वेरी कर रहा है, और जो t है वो ग्रेटर देन जीरो है, और जो है y है x t का फंक्शन है, ठीक है। अब इसी में हमारे लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब जो हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है, इस कंडीशन से तो हमें क्या है, कभी भी बाउंड्री सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस को यहाँ इम्प्लाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम कर रहे हैं, जब हमारा जो पोजीशन फंक्शन है t पर है वो एफ एक्स है, ठीक है, ये एफ एक्स वैल्यू है कोई, हम इस पर जीरो नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हर एक के लिए t के लिए अलग अलग वैल्यू है, लेकिन जब t जीरो है तो एफ एक्स है, ठीक है। और सेकंड हमें उसने कहा है इनिशियल वेलोसिटी है हमारी क्या, जीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कब होगी, इसी कंडीशन पे वो हमारी जीरो होगी। ये हमें अभी तक हमारे लिए कंडीशंस आई हैं, ठीक है। इन दो कंडीशन से ही हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। इसमें हमें बाउंड्री सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। जो हमारी ये कंडीशंस थी इनसे हमारा बाउंड्री सॉल्यूशन मिलता है, इसलिए हमने इम्प्लाइज करी हैं और कंडीशंस इम्प्लाइज करी हैं जिससे कि हमें सॉल्यूशन है बाउंड्री मिले। नाउ लेट सॉल्यूशंस ऑफ सेम इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, y एक्स की फॉर्म में, x एक्सिस और t, ठीक है। अब हमें इससे इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसका हमें एक बार डिफरेंस करेंगे, दोबारा करेंगे x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, और फिर उसी तरीके से हम इसकी वैल्यू इसको पुट करेंगे। अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में निकालती हूँ डबल एक्सिस, तो t हमारा कांस्टेंट है होगा, ठीक है, क्योंकि t दो है, t का फंक्शन है, इसलिए तो ये हो जाएगा डेल एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं डेल वाई डेल t का निकालूंगी, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए, तो हमारा x एज ए कांस्टेंट हो जाएगा और t है वो डेल t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये दो वैल्यू आ चुके हैं। अब इन दोनों ही वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करेंगे और फिर उसे सॉल्यूशन फॉर्म लेंगे। अब इसी में इस वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, टी एक्स डबल डैश, ठीक है, और इसको लिख रहे हैं हम एक्स टी डबल डैश। नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशंस फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिला, हमें सॉल्यूशन क्या मिला, यहाँ हमने वैल्यू रखी इसकी एक्स टी डैश इस कॉस्टूम में ए का स्क्वायर एक्स टी डबल एक्स। अब इसी में हमें टी वाली टर्म एक साइड करनी है, एक्स वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, जो एल एच एस है, एल एच एस डिपेंड Only x, ठीक है, एंड RHS
डिपेंड ओनली टी. सो सॉल्यूशन कैन बी सॉल्व इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट से माइनस लैम्डा. ठीक है, हमने उस कांस्टेंट को क्या कह दिया, माइनस लैम्डा कह दिया है. ठीक है, अब उसी लैम्डा को हमें इन इक्वेशंस के इक्वल में रखना है. तो एक्स डबल डैश अपॉन में एक्स इज इक्वल टू में टी डबल डैश का स्क्वायर टी इज इक्वल टू में माइनस का लैम्डा. अब यहाँ से हमारी क्या क्या हमें मिलेंगी इक्वेशन, एक्स डबल डैश लैम्डा एक्स इज इक्वल टू में जीरो इक्वेशन मिलेगी. टी डबल डैश प्लस में लैम्डा ए का स्क्वायर टी इज इक्वल टू में जीरो. ठीक है, अब हमें इसे इक्वेशन टू मान रहे हैं. ठीक है, और इसे मान रहे हैं हम इक्वेशन. अब इन दोनों में हम लैम्डा की वैल्यूज को पुट करेंगे. इसमें हमारे कितने केसेस अराइज होते हैं, थ्री केसेस. केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमारा क्या है, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू में जीरो. अगर लैम्डा हमारा जीरो हो गया तो यहाँ आ जाएगा एक्स डबल डैश इज इक्वल टू में जीरो. अब इसको सॉल्यूशन को हम के इसका सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा, ए एक्स प्लस में बी. इसका दो बार हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा. अब इसी में ही हमें जो है हमारा एक्स था वो माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव था. ठीक है, अब जब एक्स की वैल्यू हम इन्फिनिटिव रखेंगे या माइनस इन्फिनिटिव रहेंगे तो हमारा क्या होगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा. इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमें अनबाउंडेड सॉल्यूशन नहीं चाहिए जबकि हमें बाउंडेड सॉल्यूशन चाहिए. इसलिए हम कह देंगे दिस इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन व्हेन माइनस इन्फिनिटिव से एक्स माइनस इन्फिनिटिव तक है. सो टू मेक इट बाउंडेड सॉल्यूशन लेट ए इज इक्वल टू में जीरो. अगर ए हमारा जीरो हो गया तो x इज इक्वल टू में माना जाएगा बी. ठीक है, b कांस्टेंट आ जाएगा तो हम कह देंगे कि जब हमारा लैम्डा जीरो, हमारे क्या है आइगन वैल्यूज है, इज आइगन वैल्यू विद नॉन जीरो कांस्टेंट. अब हम क्या कह रहे हैं कि b है वो हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट है, आइगन फंक्शन हो जाएगा. तो केस फर्स्ट है हमें ये मिल जाएगा. केस सेकंड, व्हेन लैम्डा लेस देन जीरो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा का स्क्वायर. हम यही वैल्यू ले रहे हैं. ठीक है, अब इसी वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशंस निकाल लेंगे. तो इस वैल्यू को पुट करने पर हमारी जो है इक्वेशन टू हो जाएगी. नाउ इक्वेशन टू इज एक्स डबल डैश अल्फा का स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू में जीरो. इससे हमारे सॉल्यूशन आएंगे एक्स एक्सिस ए ए अल्फा एक्स बी डैश ए की पावर माइनस अल्फा एक्स. अब इसी में ही जब ई अल्फा एक्स है इस अनबाउंडेड कब होगा, जीरो से इन्फिनिटी में. ठीक है, जब हम जीरो से इन्फिनिटी में ये वाला हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा. और e की पावर माइनस अल्फा एक्स इस अनबाउंडेड कब होगा, जब माइनस इन्फिनिटी से जीरो होगा. तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास आ जाएगा केसेस आ जाएगा. सो वी चूज, हमें क्या करना पड़ेगा, वी चूज ए एंड बी दोनों को हमें जीरो पुट करना होगा जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा एक्स है वो जीरो आ जाएगा. मतलब इसका हमारा क्या हो गया, ट्रिवल सॉल्यूशन आ जाएगा जो कि हमारी बाउंड्री कंडीशंस थी उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा. इसलिए ये केस हमारा रिजेक्ट हो रहा है. एक्स इज इक्वल टू में जीरो ट्रिवल सॉल्यूशंस विच इज नॉट सेटिस्फाई द बाउंड्री
वैल्यू इसलिए हमने केस सेकंड रिजेक्ट कर दिया है। अब केस थर्ड है, केस थर्ड में हम क्या लेंगे, केस थर्ड व्हेन लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, लैम्डा जब हमारा ग्रेटर देन जीरो है तब हमारा क्या आएगा, तब हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा, उसे हम मान लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में ही हमें आके क्या करना है, इसकी वैल्यू रखनी है। तो नाउ इक्वेशन टू, जो हमारी इक्वेशन टू थी वो इस तरीके से थी। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देना, प्लस लैम्डा की वैल्यू रख दी हमने, एक्स एस इज इक्वल टू में जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास। और इसी का अब हमारा सॉल्यूशन करेंगे। आएगा एक्स एक्सिस सी कॉस अल्फा एक्स प्लस में डी साइन अल्फा एक्स, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, हर एक अल्फा के लिए हर एक वैल्यू आएगी, और जो कि हमारी क्या होगी, एक बाउंड्री सॉल्यूशन में आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कह देते हैं, विच इज ए बाउंडेड हेंस लैम्डा इज इक्वल्स टू में अल्फा का स्क्वायर इज एन आइगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस। हर एक वैल्यूज के लिए आइगन फंक्शंस हमारा होगा ये। अब इसी में एक हमारा सॉल्यूशन ये आ गया और एक केस फर्स्ट से आया था सॉल्यूशंस। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर देते हैं। हेंस केस फर्स्ट और केस थर्ड में आया हमारे पास फैसला, एंड केस थर्ड कैन बी कंबाइंड। जब हम इन दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक हमारे लिए एक अलग ही कांस्टेंट आ जाएगा। उस अलग कांस्टेंट को हम क्या ले लेते हैं, ए डबल डैश कॉस अल्फा एक्स प्लस में बी डबल डैश साइन अल्फा एक्स, हमने इसे ले लिया। ठीक है, अब एक्स एक्सिस की वैल्यू हमारी ये हो चुकी है। ठीक है, इससे आ चुकी है हमारी। नाउ वैल्यू, नाउ इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री हमारी थी टी डबल डैश लैम्डा ए का स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू में जीरो। ठीक है, अब हमारा क्या है, केस थर्ड ने बाउंड्री सॉल्यूशन दिया है तो हम लैम्डा की वैल्यू भी केस थर्ड वाली लेंगे। तो ये आ जाएगा टी डैश लैम्डा की वैल्यू ले रहे हैं अल्फा का स्क्वायर ए स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू में जीरो। अब इस वाली इक्वेशन का हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, टी टी सी डैश कॉस अल्फा ए टी प्लस में डी डैश साइन अल्फा ए टी, और ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम कर रहे हैं नाउ, नाउ गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या कंडीशन दी थी, ये कि जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, ये कंडीशंस दी थी। ठीक है, अब इसी में वाई एक्स टी को, ठीक है, इस कॉस्ट्यूम में हमारा एक्स एक्सिस और टी टी होता था। ठीक है, अब इसी में मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ और टी को पुट करती हूँ, डी वाई डी टी एक्स टी इक्वल्स टू एक्स एक्स टी डैश टी, क्योंकि टी हमारा है तो एक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब इसी में हमें क्या करना है, टी की जगह जीरो पुट करना है। अगर मैं टी की तरह जगह जीरो पुट करती हूँ तो ये हमारा क्या जाए, तो अगर डी वाई डी टी एक्स टी यहाँ जीरो पुट करा है जिससे एक्स एक्स में तो कोई फर्क नहीं आया, जबकि टी डैश हमारा क्या है, जीरो के इक्वल है, ये सारे जीरो आ गया। अब ये सारी वैल्यू हमारी जीरो की इक्वल थी और ये टी की वैल्यू हमने जीरो रख दिया। अब इसी में ही हमें क्या करना है, जो ये फंक्शन है वो हमारे जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हम आगे फंक्शंस को कह चुके हैं कि ये तो हमारा पूरा पूरा जो है पोजिशन फंक्शन है वो जीरो आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि दिस अप्लाइज दैट टी डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो पहले हम टी डैश कर लेते हैं, टी डैश
टी इक्वल्स टू में सी डैश ए टी साइन अल्फा ए टी माइनस का आएगा, ठीक है, प्लस में डैश ए टी कॉस अल्फा ए टी, ठीक है। अल्फा और ए हमारे कांस्टेंट है तो भार भी उनके रिस्पेक्ट में होगा तो वो बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा टी डैश टी आ चुका है। अब इसी में हमें जीरो वैल्यू पुट करनी है, जब हमें इसको जीरो के ऊपर पुट करेंगे तो यहाँ जीरो करेंगे तो ये पूरी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा टी डैश ए टी इक्वल्स टू में जीरो, जो इम्प्लाइज करेगा हमारा टी डैश है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। ए टी तो हमारी जीरो नहीं है, कॉन्स्टेंट है, इसलिए हमें क्या है टी डैश हमारा जीरो होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, डी डैश जीरो होने पर हमारा जो सॉल्यूशन है ये आ जाएगा टी के लिए। नाउ इक्वेशन फिफ्थ, टी डैश सी डैश कॉस अल्फा ए टी, ठीक है, ये आ चुका है। सो एफ डी अल्फा के लिए हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डैश कॉस अल्फा ए टी, एफ डी अल्फा फंक्शन, ठीक है। उसी तरीके से हमें क्या करना है एक्स एक्सिस के लिए निकालना है। एक्स एक्सिस हमारा क्या था, हमारा ये आया था ए डबल डैश कॉस अल्फा एक्स प्लस में बी डबल डैश साइन अल्फा एक्स, तो हम इसे लिख देंगे नाउ इक्वेशन, ये हमारी क्या इक्वेशन थी फोर, ठीक है। नाउ इक्वेशन फोर हमारी ये आ चुकी है, ठीक है। फोर एफ डी अल्फा एक्स के लिए हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो जाएगा अल्फा कॉस अल्फा एक्स बीटा अल्फा साइन अल्फा एक्स, ठीक है। हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमारा हर एक आइगन फंक्शन होगा। अब इसी में हमें क्या करना है, जो हमारा हेंस वाई अल्फा एक्स टी होता है हर एक फंक्शन के लिए, इसमें हमें क्या है इन दोनों की वैल्यू रखनी है, ठीक है, एक्स अल्फा एक्स की और टी अल्फा एक्स की, हमें इन दोनों की वैल्यू रखनी है इसमें। अब इन दोनों की वैल्यू रखते हैं y अल्फा एक्स टी, पहले इसकी लेते हैं ए अल्फा कॉस अल्फा एक्स प्लस में बीटा अल्फा साइन अल्फा एक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू रखनी है सी अल्फा कॉस अल्फा टी, ये आ चुका हमारा। अब इसी में हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट की अगर मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस कांस्टेंट में और इस कांस्टेंट में तो हमारा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसे मान दें हम ई अल्फा, ठीक है। हम हर जगह अलग अलग कांस्टेंट मान रहे इसलिए हैं क्योंकि जिससे कि हमारा सॉल्यूशन और इजी हो जाए, वो और कांस्टेंट से भरा ना रहे, हमारे लिए एक ही कांस्टेंट आए और इसी कांस्टेंट की फिर हम वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि अब हमारे पास इन दोनों को फिर निकालना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे इन दोनों को एक ही कांस्टेंट मान रहे हैं जिससे कि हमें एक ही कांस्टेंट निकालना रहे, दो अलग अलग कांस्टेंट्स ना निकालना रहे, e अल्फा cos अल्फा x एंड f अल्फा sin अल्फा x, ठीक है, और cos अल्फा at, ठीक है। अब इसी में हम क्या कह सकते हैं, इसे लिखेंगे now we can see, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद है y x t, ठीक है, और इसमें जो t है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारा, इंफिनिटी तक, ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटिव लेंगे हम, और जो है वाई अल्फा हर एक अल्फा के लिए हम वैल्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा हमने क्या लिखा है, अल्फा है जो है हमारे जीरो से बड़ा है और कितना बड़ा है, इन्फिनिटिव तक, तो डी अल्फा, ठीक है, इन सभी का सॉल्यूशंस की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे ये वैल्यू इसमें रखी जा रही है, तो ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटिव ई अल्फा कॉस अल्फा एक्स प्लस में एफ साइन अल्फा एक्स अल्फा ए टी डी अल्फा, ये आ चुका है हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब इसी इक्वेशंस को हमें लास्ट जो हमारी कंडीशन है उससे इन कांस्टेंट वैल्यूज की हम निकालेंगे। तो नाउ गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, हमारे पास कंडीशन दी हुई थी वाई एक्स जीरो इक्वल्स टू में एफ एक्स, ये कंडीशन दी हुई थी। अब इसी कंडीशन से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब जब मैं ये हमारा y x t है, इसमें t की वैल्यू जीरो पुट करती हूँ, तो
अगर मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करती हूँ, ठीक है, तो वो हमारा क्या एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 0 से इन्फिनिटी, अल्फा कॉस अल्फा एक्स प्लस में एफ अल्फा साइन अल्फा एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डी अल्फा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके की ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन से ये हमारी किस तरीके की इक्वेशन है, फोरियर सीरीज है, दिस इज फोरियर सीरीज, फोरियर इंटीग्रल सीरीज ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इनफिनिटी, हेंस कांस्टेंट डिफाइंड एज, कांस्टेंट को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ई अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाय पाई माइनस इंफिनिटी टू इनफिनिटी एफ जेड। अब देखिए ई अल्फा का निकालना है, तो इसके साथ जो हमारा फंक्शन होगा होगा कॉस अल्फा साई टी जेड, और जो हमारा ये फंक्शन होता है ये अंदर चला जाता है, ये जाई के साथ हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो अगर मुझे एफ अल्फा की, अब मुझे एफ अल्फा की निकालनी है, तो एफ अल्फा होगा हमारा 1 बाय पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फंक्शन एफ है वो जाई के रूप में हो जाएगा, और एफ के साथ क्या साइन है, तो यहाँ होगा साइन अल्फा साई डी साइन, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारा एफ अल्फा और ई अल्फा की वैल्यू मिल गई है। अब इन दोनों की वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है, हेंस सॉल्यूशन इज वाई एक्स टी इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी 0 से इनफिनिटी। अब इसमें हमने ई अल्फा की वैल्यू रखनी है 1 बाय पाई माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ जाई कॉस अल्फा जाई डी जाई, ये हमारी क्या आ चुकी है, ई अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, इसलिए लिखेंगे कॉस अल्फा एक्स प्लस में, ठीक है। अब इसी में हमारा क्या हो जाएगा, अब आप जाई की और साइन अल्फा जाई की हम वैल्यू रखेंगे, तो ये हो गई एफ एल की वैल्यू रखेंगे एफ 1 बाय एफ, ये सारा ब्रैकेट में रखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ जाई साइन अल्फा जाई डी जाई, वही किसके साथ था साइन अल्फा एक्स, ये हो चुका है, ठीक है। अब इन्हीं सभी के साथ हमारा लास्ट में थी कॉस अल्फा ए टी डी अल्फा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा।